आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिक्स में दूसरे क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ये भी 2003 का हमारा यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका मैं एनालिसिस आपको देना चाहूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन को सुन लें, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में कौन सा एक सही है, यानी वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। सबसे पहला ऑप्शन है केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन पहला है कि केवल राज्यसभा में ही न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। फॉल्स है। कैसे है? हम आपके प्रूफ करूंगा। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाता है, बल्कि लोकसभा में किया जाता है। ये भी फॉल्स है। मैं एनालिसिस दूंगा। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्त पद संवैधानिक वर्जना नहीं है। फैक्ट है। सही है। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। नहीं, केवल मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, मत दे सकता है, राष्ट्रपति में नहीं। अब कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 331 भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि आंग्ल भारतीयों को, समुदाय के 2 लोगों को, वह लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। यदि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है कि दोनों समुदाय से, खासतौर पे इस तरह के समुदाय से, आंग्ल भारतीय समुदाय से, यदि कोई सदस्य लोकसभा में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यदि उन्हें यह महसूस होता है, तभी वो इस तरह से करेंगे, ऐसा प्रतिनिधित्व करने के लिए वो कार्य करेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। पहला। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं किया जाता है, बल्कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को अनेक क्षेत्रों में उनकी अच्छी उपलब्धि होने के कारण, उनकी कंट्रीब्यूशन होने के कारण उनको मनोनीत किया जाता है। और यह होता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होगा कि वह 12 लोगों को, खास तौर पे चाहे वह साहित्य में हो, चाहे वह कला में हो, चाहे वह विज्ञान में हो, चाहे वह सामाजिक सेवा में हो, यदि वह उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो वैसे लोगों को राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। आगे क्या होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(5) यदि हम पढ़ते हैं, तो 80(5) में यह बताता है कि इस तरह के जो हमारे यहाँ परंपरा आ रही है, जो ट्रेडिशन आ रही है, इस ट्रेडिशन को करने का जो अधिकार होता है, वह भारत के संसद के पास है। मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में मनोनीत सदस्य जो होते हैं, वह भाग नहीं लेते, केवल उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में मनोनीत सदस्य वोट देने का अधिकार रखते हैं। ठीक है। तो इस आधार पे हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हुआ, वह ऑप्शन केवल 3 हमारा सही है और सब हमारा गलत है। आई थिंक आपको पूरा का पूरा अनुच्छेद भी याद हो गया होगा।